Hi friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you EVS class 6 chapter number 14 6 part, that is the last part of the chapter. So friends, इसके पहले वाले chapter में मैंने आपको floods और drought के बारे में बताया था कि floods अगर आ जाए, पानी की ज़्यादा heavy rainfall हो जाए तो floods आ जाते हैं और जब पानी की कमी हो जाती है तो drought हो जाता है, सूखा पड़ जाता है. So friends, उसके आगे ये part मैं explain कर रही हूँ जो कि हमारा topic है, how can we conserve water, हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं. So friends, start करते हैं. Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plants, animals and humans. पृथ्वी पर उपलब्ध जो जल है उसका सिर्फ एक छोटा सा ही भाग है जो वो पौधों और जंतुओं, जानवरों और मनुष्यों के लिए उपयुक्त है. मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशियंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो महासागरों में है जो कि सीधा हम उपयोग नहीं कर सकते हैं. When the level of the ground water decreases drastically, this cannot be used anymore. जो level है ground water जो होते हैं, जहाँ से हम कुओं से पानी निकालते हैं, नल से पानी निकालते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो ground water से ही वो पानी आता है. तो जब ground water जो है वो drastically decrease हो जाता है, यानी कि अचानक से तेजी से कमी आती है उस पानी में, तो ये हमार फिर this cannot be used anymore. तो उसको हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं, हमारे उपयोग में वो नहीं आ सकता है. The total amount of water on earth remains the same, but the water available for use is very limited and is decreasing with over uses. पृथ्वी पर जो जल होती है, जल की जो मात्रा होती है वो समान रहती है, लेकिन जो उपयोग के लिए जो जल होते हैं उनकी मात्रा सीमित हो जाती है और अति मतलब ओवर यूजेस मतलब ज़्यादा इस्तेमाल, अति किसी चीज़ की अति यानी कि ज़्यादा करने पे वो क्या होता है, घटती जाती है, डिक्रीजिंग मतलब घटती जाती है उसकी क्षमता. द डिमांड ऑफ वाटर इन इंक्रीजिंग डे बाई डे, पानी की जो जल की जो मांग है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विथ राइजिंग पॉपुलेशन, और जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसके साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों में भी वृद्धि हो रही है. In many cities, long queues for collection of water are common sight. कई शहरों में long queues मतलब queues मतलब होते हैं line, लंबी line होती है water collection के लिए, पानी भरने के लिए लंबी line लगी होती है, जैसा कि figure 14.12 में दिख रहा है. A queue for collecting water, यहाँ पानी भर रहा है और ये queue लगी हुई है, बर्तनों की line लगी हुई है भरने के लिए. Also, more and more water is being used for producing food and by the industries. खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग हो रहा है उसका, जल का. दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यही कारण है कि इन्हीं सब कारणों से हमारे कई पूरे संसार में कई जगहों पे पानी की कमी भी हो गई है. शॉर्टेज मतलब कमी होता है. Hence it is very important that water is used carefully. इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी पानी इस्तेमाल करते हैं हम बहुत उसको ध्यान से इस्तेमाल करें. We should take care not to waste water. हमें ध्यान से इस्तेमाल करना है, जितना हमारे लिए पानी ज़रूरत है उतना ही हमें उसको यूज़ करना है, बाकी हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है. ये बात आप भी ध्यान रखें और अपने घरों में भी इसको देखें कि अगर आपके घर में कहीं भी फालतू पानी का हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, कहीं फालतू उसका हो जा रहा है यूज़, तो उसको आप बंद कर दीजिए. 14.8 रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल का संग्रहण. रेन वाटर मतलब वर्षा का जल, हार्वेस्टिंग मतलब संग्रहण. One way of increasing an availability of water is to collect rain water and store it for later use. वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण, भंडारण मतलब स्टोरेज, स्टोर करना वाटर को, भंडारण करके बाद में प्रयोग करना, ये एक तरीका है वाटर की अवेलेबिलिटी, उपलब्धि को बढ़ाने की. अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धि होती है, मतलब कितना उपलब्ध है कितना नहीं है. कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस तरह से पानी का संग्रहण करना, एकत्र करना ही वर्षा जल संग्रहण, इसी को कहते हैं. द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, इस जल संग्रहण का मूल मंत्र यही है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कर लीजिए.
What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? क्या होता है जहाँ पे वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट की सड़कें होती हैं या फिर मकाने होती हैं बिल्डिंग्स. इट फ्लोज इन टू द ड्रेन्स इजेंट इट. वो पानी नालियों में बह जाता है कि नहीं? जी हाँ, जहाँ पे मकाने होती हैं सड़कें होती हैं वहाँ जो पानी होता है वो गिरता है और वो नालियों में बह जाता है. फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स और लेक्स विच कुड बी फार अवे. और वहाँ से जो ये पानी है वो झीलों में या नदियों में बहकर चला जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होते हैं. अ लॉट ऑफ एफर्ट विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इन टू आवर होम्स एज द वाटर डिड नॉट शिप इन टू द ग्राउंड्स. फिर ये जल इस जल को हमारे हमारे घरों में वापस लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है. बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद ये हमारे घरों में आते हैं. डिस्कस हियर आर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. यहाँ पर हम वर्षा जल संग्रहण की दो तकनीकों के बारे में बात करेंगे. पहला है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण. इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रो पाइप्स. इस वाले प्रणाली में हम क्या करेंगे, घरों के ऊपर जो छत होते हैं उसमें जो वर्षा का जल एकत्रित होता है उसको एकत्र करने के लिए पानी के टैंक में डालेंगे, पाइप के थ्रू डालेंगे उसको. दिस वाटर में कंटेन सॉयल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज़ यूज्ड. इस पानी में मिट्टी के कण होंगे क्योंकि ये छत पर गिरे हैं, तो इसको यूज़ करने के पहले इसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा इस पानी को. इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इन टू अ पिट इन द ग्राउंड. अगर आप टैंक में नहीं इसको कलेक्ट करना चाहते हैं रेन वाटर के पानी को, रेन वाटर को, तो आप डायरेक्ट पाइप के थ्रू एक पिट मतलब होता है गड्ढा, जमीन में गड्ढा खोद करके डायरेक्ट उसमें आप पानी को डाल दीजिए. दिस देन सिप्स इन टू द सॉयल ऑफ टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर. इससे क्या होगा, वो पानी धीरे धीरे रिस के नीचे जमीन में पहुंच जाएगा और जो ग्राउंड वाटर में कमी हुई है उसको ये पूरा रिफिल कर देगा, भर देगा. फिगर 14.13 ये रहा. बारिश हो रही है, बारिश का पानी जो है वहाँ यहाँ छत पे इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पाइप के थ्रू वो गड्ढों से होते हुए गड्ढे में दो गड्ढा किया हुआ है, यहाँ से होकर के वो नीचे इसको गड्ढे में डाल दिया गया ताकि यहाँ से रिसाव होगा और ज़मीन में ये पानी पहुँच जाएगा. सेकेंड है अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इन टू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स डेट कलेक्ट रेन वाटर. इसका दूसरा जो विकल्प है वो ये है कि सड़क के किनारे जो नालियाँ बनी होती है नालियों के द्वारा एकत्रित करके वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुँचा दिया जाना चाहिए. ये इसका सेकेंड है टेक्निक है क्या करने के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए. सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 14 वाटर EVS का क्लास 6 का यहाँ पे एंड हो रहा है. इसके आगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा इस चैप्टर का वर्कबुक, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी और उसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर. सो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोज़ को पार्ट बाई पार्ट देखा करिए. मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ लेकिन पार्ट्स में एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे पार्ट 1, 2, 3, 4 करके. सो आप मेरे सारे पार्ट्स को देखा करिए. आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट किया करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी. मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक भी करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.